एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को आज 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। सवाल यह है कि क्या आज मेयर पद के लिए वोटिंग हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी पार्षद दो बार मिल चुके हैं। वोटर्स वोटिंग करनी है मेयर के पद के लिए। एमसीडी का चुनाव संपन्न हुए तो कई दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पा रहा है। वजह है दोनों पार्टियों के जो पार्षद हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं जब जब मिलते हैं। आम आदमी पार्टी एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, हंगामा होता है और पार्षद आपस में भिड़ते हैं और फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। एक बार फिर से 10 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सवाल यह है कि दिल्ली की जनता ने तो अपना काम कर दिया, वोट डाल दिया, एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई, लेकिन अब काम जो पार्षदों को करना है वो कब होगा, यानी कि मेयर को कब चुन पाएंगे, वोटिंग कब होगी, दिल्ली की जनता के लिए काम कब शुरू होगा। इससे पहले दो बार इसी तरह से सदन की कार्यवाही शुरू तो होती है लेकिन हंगामा होता है, पार्षद आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और फिर मेयर और डेप्यूटी मेयर के पद के लिए जो वोटिंग होनी होती है वो वोटिंग नहीं हो पाती है। फिलहाल 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दिल्ली में मेयर के पद को लेकर, वोटिंग को लेकर यह महासंग्राम जारी है। मेयर चुनाव से पहले कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। सवाल वही कि क्या आज दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव हो पाएगा, क्या वोटिंग आज हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले जब दो बार पार्षद मिले तब मनोनीत पार्षदों के शपथ लेने पर पहले मनोनीत पार्षदों के वोटिंग के मुद्दे को लेकर इतना हंगामा हुआ कि पार्षद आपस में भिड़ गए और फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, यानी कि मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव अब तक नहीं हो पाया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं लेकिन अब तक समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमसीडी के चुनाव की बात करें तो नंबर गेम में आम आदमी पार्टी काफी आगे है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि सदन की कार्यवाही में नियमों के खिलाफ चला जा रहा है और मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलवाई जा रही है, मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है, ये सारी बातें नियमों के खिलाफ हैं और नियमों के खिलाफ जाने की वजह से ही आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। अब ये देखना है कि क्या आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है और क्या आज मेयर और डेप्यूटी मेयर के पद के लिए वोटिंग हो पाती है या नहीं। बीजेपी की ताकत की बात करें तो 104 पार्षद चुनकर आए हैं। आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद चुनकर आए हैं। 250 सीटों वाला दिल्ली नगर निगम है। कांग्रेस के 9 सदस्य हैं और अन्य दलों के 3 सदस्य हैं। इस तरीके से 250 पार्षदों वाला यह सदन, दो बार इससे पहले मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना था वो टल चुका है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करती हैं कि जब वोटिंग होगी तो हमारी पार्टी ही जीतेगी और मेयर हमारी ही पार्टी से बनेगा, और मेयर चुनाव को लेकर यह बिग फाइट आज भी जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबेरॉय मैदान में है तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। ये है मेयर पद के उम्मीदवार। डेप्यूटी मेयर की बात करें, आले मोहम्मद इकबाल ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं और कमल बागड़ी ये बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनका भी चुनाव होना है। आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई उससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये आपको सुनवाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों को डायरेक्शन दिया है कि पिछली बार की तरह जिस तरह उन्होंने हंगामा करके सदन को स्थगित कराया, उसी तरह इस बार भी वो हंगामा करके सदन को स्थगित कराएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने देना चाहती, मेयर नहीं चुनने देना चाहती। हम तो भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, मेयर का चुनाव होने दीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने दीजिए और दिल्ली की साफ सफाई का काम शुरू होने दीजिए। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज महापौर का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है, उप महापौर का चुनाव है और हमारे पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी आज वो भ्रष्टाचार करके
दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सदस्यों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी ने मेयर चुनाव ना होने का निर्देश दे दिया है, अपने पार्षदों को ऐसा निर्देश दिया है कि आज भी सदन शुरू होते ही हंगामा कर दिया जाए और फिर उपराज्यपाल जो है वो 20 दिन बाद की तारीख दे देंगे। यानी कि मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने तो तैयारी कर ली है हंगामे की और बीजेपी चाहती ही नहीं है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो, इतना हंगामा हो कि पीठासीन अधिकारी जो हैं वो पिछली बार की तरह अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दें और फिर उपराज्यपाल 20 दिन बाद की तारीख दे दें, यानी कि इसे और लटका दिया जाए। ये मनीष सिसोदिया का आरोप है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है बीजेपी पर मेयर के चुनाव को लेकर।